हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, न्यूरल नेटवर्क्स किससे इंस्पायर्ड होते हैं? ये ह्यूमन न्यूरॉन्स से इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे हमारे न्यूरॉन्स कुछ ऐसे बनते हैं, ठीक है, डेंड्राइड्स होते हैं, उसमें एक्सन होता है, सिनेप्टिक टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, जो कि हम AI में यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। जहाँ पर हम इनपुट को क्या कहते हैं? वेट्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास थ्रेशोल्ड फंक्शन आता है, देन ANN आता है, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है? ओके, अब यही चीज़ इन्होंने ये थ्योरी में बताई हुई है। क्लियर है? अब ये देखिए तुम्हारे पास क्या है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। वेट इज़ द मोस्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन यूज फॉर न्यूरल नेटवर्क्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिकॉज इट एक्साइट्स और इनहैबिट्स द सिग्नल दैट इज बीइंग कम्युनिकेट्स। मतलब वेट क्या है? ऑब्वियसली वेट जो है वो इन्फॉर्मेशन है जो हम न्यूरॉन को दे रहे हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास डायग्राम है, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो डायग्राम दी गई है। लाइक हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास कोई भी वेट है, देन इनपुट फंक्शन है, ये एक्टिवेशन फंक्शन है, देन आउटपुट आएगा। आउटपुट जो है मल्टीप्लाई होके आएगा। अब मल्टीप्लाई कौन करता है? ये क्या कर देता है, इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। लाइक तुम्हारे पास n इनपुट्स आए, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइज ईच इनपुट बाय इट्स वेट, ठीक है। जो भी इनपुट आएंगे विद इट्स वेट उसको मल्टीप्लाई करेगा एंड एज एन आउटपुट उसको देगा। क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? फिर देखो, एक्टिवेशन क्या फंक्शन है, ये हेल्प करता है कन्वर्ट करने में इनपुट टू आउटपुट सिग्नल्स में, ठीक है, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, थ्रेशोल्ड फंक्शन आउटपुट्स वन व्हेन द इनपुट इज पॉजिटिव एंड जीरो अदरवाइज। अब जो आउटपुट है, आउटपुट की वैल्यू जो है वो क्या है, वन कब होती है, जब इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर तो इनपुट की वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या है, जीरो रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट की वैल्यू। क्लियर है? अब इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वन अपॉन वन प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, ठीक है, जिसको तुम ऐसे ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीरो और ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज में से। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो है वो देखो, ये किस पे बेस्ड होते हैं, टाइप्स हम किस बेसिस पे हम टाइप्स जो हैं वो रखते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। देखो, पहले तो कनेक्शन टाइप होती है, कनेक्शन, देन टोपोलॉजी, देन लर्निंग मैथड। कनेक्शन में स्टैटिक फीडबैक एंड डायनेमिक फीडबैक आ जाता है, टोपोलॉजी में सिंगल लेयर, मल्टी लेयर एंड रिकरेंट। लर्निंग मेथड में सुपरवाइज लर्निंग, देन अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्स लर्निंग। अब सबसे पहले हम टोपोलॉजी, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का, ठीक है। सिंगल लेयर में क्या आता है, सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट लेयर आती है, ठीक है, यही चीज़ होती है। बट जो तुम्हारा मल्टीपल लेयर होता है ना, उसमें एक हिडन लेयर एक्स्ट्रा होती है जो कि तुम्हारे कंप्यूटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, सिस्टम की कंपटीशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्लियर हुआ? देन आता है यहाँ पे हम बहुत ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन आता है तुम्हारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है, देखो कि एक ना ये क्यों आया, पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क थे ना, वो क्या था, प्रीवियस स्टेट को स्टोर नहीं करता था। बट इसमें जैसे इस इनपुट से ये आउटपुट आया, ये प्रीवियस जो तुम्हारी करंट स्टेट है उसको क्या देगा, एज एन इनपुट दे देगा, ठीक है। तो प्रीवियस स्टेट को भी ये स्टोर कर लेता है। क्लियर हुआ? ओके, अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लर्निंग मैथड। अब लर्निंग मैथड में कैसे आएगा, देखो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड इन्फोर्स लर्निंग है। अब सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जो हम हाँ ट्रेनिंग देके कर रहे हैं कि ये तुम्हें करना है। क्लियर है? अनसुपरवाइज लर्निंग की किसी चीज़ की हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे, वो कर रहा है और उसको समझ आ रही है, ओके। एंड रेनफोर्समेंट वो जैसे कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड, जैसे तुम गिर गए, ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि हाँ यहाँ ऐसे चोट लगेगी, तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो चीज़ करता है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, यू कैन गो एंड स्टडी दिस, बट मैंने जो एग्जाम्पल दी है वो भी बहुत ईजी है, तुम मुझसे भी देख सकते हो, ओके। इसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में यूज़ होता है, देन कंट्रोल सिस्टम में, मोबाइल कंप्यूटेशन में, मार्केटिंग में, फॉरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन एडवांटेजेस क्या है, ये क्या है,
काफ़ी ऐसे टास्क परफॉर्म कर लेता है जो कि सिंपल मशीन्स नहीं परफॉर्म कर सकती. When an element of the neural network fails, it can continue without any problem of the parallel nature. ठीक है, मतलब इसका parallel nature होने की वजह से अगर एक element fail करता है ना तो ये continue कर सकता है. A neural network learn and does not need to reprogram. Neural network learn करता रहता है. देखो तीन तरह के learning थी. ये अपने experience based भी learn करता रहता है. It can be implemented in any application. It can be implemented without any problem. ठीक है. अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें. न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग चाहिए होती है. ठीक है, और हम ये कह सकते हैं ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि एक्सपर्टीज चाहिए होती है इसमें. ठीक है, और जो कुछ ऐसे इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो इनको ट्रेन कर सकें. रिक्वायर हाई प्रोसेसिंग टाइम फॉर द लार्ज न्यूरल नेटवर्क. हाई प्रोसेसिंग टाइम चाहिए होता है इनको न्यूरल नेटवर्क्स के लिए. क्लियर है? एंड KBS हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.